बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूफू का अजीम मकबरा अहराम मिसर में सबसे मशहूर खूफू का मकबरा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। खूफू ना तो जंगजू था और ना ही फातह है। उसने अवाम की फलाह बहबूद के लिए भी कोई ख़ास काम नहीं किया। वो कानून साज या आलिम भी नहीं था, लेकिन खूफू ने इस बात का एहतमाम ज़रूर किया कि हज़ारों साल गुजरने के बाद जब अनगिनत बादशाहों और शाही ख़ानदानों का नाम मिट जाए तो लोग उसे याद रखें। उसने एक मकबरा तामीर किया, ऐसा पुरशिकवा के इंसानी हाथ उससे बेहतर शायद कोई दूसरा ना बना सके। यही शाहकार उसे नक्शे दवाम दे गया। खूफू का हरम दरियाई नील के मगरबी किनारे से 5 मील दूर अल जज़ीरा ग़ाज़ा नामी गांव के करीब वाक़ है। यह हरम गोया एक मसनूई पहाड़ है। खूफू ने उसे अख्त यानी अजीम व शान का नाम दिया। यह नाम उस इमारत की तामीर के 50 सदियों बाद भी हरम पर मौजू बैठता है। खूफू को तारीख़ ऐसा बने 5000 साल गुजर चुके। वो मिस्र का मशहूर फ़िरौन गुजरा है। उसका दौर हुकूमत 2900 से 2845 कबल अज़ मसीह रहा। मतलब ये कि जब हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के वज़ीर की हैसियत से काम किया तो यह हरम काफ़ी कदीम हो चुका था। वो यकीनन उसके करीब से गुज़रते हुए उसे दिन के वक्त दमकते और रात को सितारों से बातें करते देखते होंगे। हरम के करीब एक मआबद भी था जहाँ पुरोहित दिन रात उस बादशाह की मनाजात किया करते। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में यह हरम आज की निस्बत ज़्यादा ऊंचा था, क्योंकि गुज़श्ता सदियों में इस हरम के पत्थर क़िलाए काहिरा और महल तामीर करने में इस्तेमाल कर लिए गए। नरम चूने के पत्थरों या पॉलिश किए हुए ग्रेनाइट्स ने उसकी बालाई सतह को ढका हुआ था, लेकिन अब उनका वजूद बाकी नहीं। इसकी टूटी फूटी सतह अब भी मुतासर कुन है। माजी में हरम 281 फिट बुलंद था, अब इसकी बुलंदी 255 फिट रह गई है। इसके निचले हिस्से की चौड़ाई एक से दूसरे कोने तक 59 फिट है। इसका रकबा 12.5 एकड़ है। इसकी तामीर में पत्थर के 23 लाख ब्लॉक इस्तेमाल किए गए। हर पत्थर का वज़न 2.5 मन के करीब है। वक्त और इंसान के हाथों शिकस्त और खत के बावजूद इसका रकबा 8 करोड़ 5 लाख मुरब्बा फिट तक पहुँचता है। ये द्योहिगल इमारत कोई मंदिर नहीं कि देवताओं की अजमत का सबूत पेश करे। यह शाही दरबार या दिफाई नौयत की इमारत भी नहीं, सिर्फ एक मकबरा है। फिर भी खूफू अपने महल की खिड़कियों से ऐसे तामीर होता देख कर यकीनन बहुत खुश होता होगा। ताहम खुशी की वजह यह नहीं थी कि फ़न तामीर के मोहब्बत ने उसे ये अजीम इमारत बनाने पर उकसाया, बल्कि इसको बनाने से उसे एहसास तहफ़ुज़ मिला। यह तहफ़ुज़ किसी आम दुश्मन से नहीं था, क्योंकि उसकी अफवाज शाम या अरब से हमला आवर होने वाले दुश्मनों का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती थी। लेकिन एक दुश्मन ऐसा था जिसके ख़िलाफ़ कोई ढाल कारगर ना थी, जिसे बड़े से बड़ा अजीम लश्कर भी शिकस्त नहीं दे सकता था, और वो दुश्मन मौत थी। उसे बखूबी इल्म था कि सब इंसानों की तरह फ़िरौन भी फ़ानी हैं। वो दिन करीब है जब उसकी तमाम शान व शौकत और जाहो जलाल ख़त्म हो जाएगा और वो महज एक लाश बन जाएगा। लेकिन मौत को वो भी शिकस्त देना चाहता था। उसे धोखा देने का एक तरीका था। मुकद्दस किताबें इसके बारे में बताती हैं। ये फार्मूला चंद पुरोहितों को मालूम था। ऐसे गुरजू इतने कारगर थे कि उनकी मदद से रूह को जिस्म से निकलने के बाद महफूज कर लिया जा सकता। कदीम मिस्र की दुनियात अजीब व गरीब है, जिसे उसकी तमाम तर पेचीदगियों और गहराइयों के साथ शायद कभी ना समझा जा सके। मिस्रियों का अकीदा था कि जब तक किसी चीज़ का जिस्म महफूज है तब तक देवता रूह को सूरज के नीचे जिंदा रहने की इजाज़त देते हैं। इसलिए फ़िरौन और दूसरे अजीम लोग अपनी लाशों को गलने सड़ने से बचाने की भरपूर कोशिश करते। इस सिलसिले में अजीब व गरीब तरीके इस्तेमाल किए जाते। बाद-ए-अज़ा लाश को ऐसी जगहों पर छुपा दिया जाता जहां उसका सुराग ना लगाया जा सके। अहराम की तामीर के अजीम दौर में यह रस्म थी कि हरम के वस्त में फ़िरौन की लाश ऐसे कमरे में रखते जिसे एक चट्टान तराश कर बनाया जाता। अपने मकबरे की तामीर हर बादशाह की बुनियादी दिलचस्पी बन जाती। वो बादशाह बनते ही उसकी तामीर शुरू करता और अपने दौरे हुकूमत में जारी रखता। उसकी ख्वाहिश होती कि हरम की तामीर का काम अपनी ज़िंदगी में ही मुकम्मल हो जाए। यूं उसे अबदी आराम की जगह मिल सकती जहां उसका वजूद किसी ना किसी तरह बाकी रहता। जब फ़िरौन मरता तो उसकी लाश मम्मी बनाने वाले ग्रोह के हवाले कर दी जाती। वो मुक़द्दस फार्मूले के मुताबिक ये काम अंजाम देता। लाश दफनाते वक्त मुख्तलिफ रसूमात अदा की जाती। इस मौके पर कदीम मिस्री देवता और इसीरस की इबादत होती जिसे कत्ल कर दिया गया था लेकिन जादुई अमल के ज़रिए ज़िंदा हो गया था। मिस्रियों का ये अक़ीदा था। फिर वो उन लोगों को ज़िंदगियाँ देने लगा जो उसकी इबादत करते और जिनकी मम्मी एक ख़ास तरीके से बनाई जाती। मम्मी को एक सुरंग के ज़रिए हरम के अंदर बनाए गए कमरे तक पहुँचाया जाता। लाश को संगी ताबूत में रखा जाता। उसके साथ खाना पीना, नहाने धोने का सामान, जादू की छड़ी और दुश्मनों और सांपों से बचाने के टोटके रखे जाते हैं। फिर गहरी सुरंग को रेत और बजरी से इस तरह भर दिया जाता कि कोई उसका सुराख न लगा सके। खूफू ने अपनी हुकूमत के इब्तदाई दौर ही में अजीम हरम की तामीर का हुक्म दिया और हुकूमत की कुल आमदन को उस वाहिद मकसद की तकमील पर लगा डाला। ये मकसद क्या था? दुनिया की अजीम तरीन इमारत तले एक छोटे से कमरे में मम्मी बनकर ख़त्म हो जाना, जबकि रूह दुनिया की भूल भुलाइयों में भटकती फिरे। खूफू की मौत के 2000 साल बाद अजीम यूनानी मौरिख हेरोडोट्स ने मिसर का सफ़र किया। उसने प्रोहतों से खूफू के बारे में मालूमात इकट्ठी की। प्रोहतों ने बताया कि खूफू एक मकार इंसान था जिसने ताज व तख्त संभालते ही देवताओं के सामने होने वाली तमाम कुर्बानियाँ बंद करवा दीं और माबदों पर ताले डलवा दिए। फिर लाखों लोगों को अपने मकबरे की तामीर के लिए जबरी भर्ती कर लिया। मकबरे पर काम करने वाले 1 लाख मजदूर 10-10 हज़ार गिरोहों या जत्थों की शक्ल में काम करते। हर गिरोह एक वक्त में 3 माह काम करता। पत्थरों को हरम तक लाने में 10 साल सर्फ हुए। पत्थरों की कानें दरियाई नील के दूसरी तरफ वाक़ थीं। बड़े बड़े पत्थरों को सड़क के ज़रिए दरिया तक लाया जाता। सैलाब आता तो मज़दूर उन्हें कश्तियों से उस चट्टान के करीब पहुँचाते जहाँ हरम की तामीर जारी थी। पत्थर फिर उन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर ले जाए जाते जिनकी तामीर पर बजाय ख़ुद 10 साल का अरसा लगता था। वो भी अजीम हरम की तरह हैरानकुन थी। यूं पत्थर उस जगह तक पहुंच जाते जहां हरम की तामीर होना थी। हरम की तामीर में 20 साल का अरसा सर्फ हुआ। उसे 3 फुट लंबाई के पॉलिश किए हुए पत्थरों से बनाया गया। इन पत्थरों को इतनी नफासत से जोड़ा गया कि ये जोड़ 1 इंच के 1000वें हिस्से तक दुरुस्त हैं। याद रहे, हर में खूफू का शुमार दुनिया के कदीम 7 अजायबात आलम में होता है और यह वाहिद अजूबा है जो अब तक कायम व दायम है। 3800 साल तक रूह ज़मीन पर इंसानी साख्ता बुलंद तरीन इमारत रही। खूफू के अजीम मकबरे से हटकर उसकी ज़ात के बारे में हमें ज़्यादा मालूम नहीं। ख्याल है कि वो किसी बादशाह की औलाद नहीं था बल्कि वस्ती मिसर के एक घराने से उसका ताल्लुक़ था। एक ख्याल यह भी है कि वह अपने पेशरू सनफेरू के तवसुत से इस मुकाम तक पहुँचा। यह भी मुमकिन है कि उसने एक पादरी या जंगजू की हैसियत से तख्त व ताज पर कब्ज़ा कर लिया हो। खूफू के बारे में अहम बात यह है कि उसने मकबरों का ऐसा डिज़ाइन रोशनास करवाया जिसे दूसरों ने भी नकल किया। वो मकबरे नहीं बल्कि हरम के तोकोने डिज़ाइन का बानी था। उसकी यह कामयाबी तारीख़ का हिस्सा बन चुकी। माजी में मशहूर था कि हरम खूफू में ख़जाने दफन हैं, इसीलिए खलीफा मामून रशीद ने उसमें सुराख करवा कर अंदर तक जाने का रास्ता तैयार करवा लिया। लेकिन जब वो उस कमरे में पहुँचे जहाँ फ़िरौन की लाश होनी चाहिए थी तो वहाँ सुर्ख ग्रेनाइट का ताबूत चमक रहा था। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि उसमें से लाश गायब थी। अब लाश का क्या हुआ, लाश कहाँ चली गई, क्योंकि खलीफा मामून रशीद के दौर से पहले इस जगह तक कोई नहीं पहुँचा था। लिहाजा अगर खूफू वाकई यहाँ पर दफन था, वाकई उसकी मम्मी यहाँ पर मौजूद थी, तो उसकी कम से कम बाकियात ज़रूर होनी चाहिए थी। क्या यह बात दुरुस्त है कि मिसर के अकीदों के मुताबिक मरने के बाद वो रूह को दोबारा जिस्म में लौटा देते हैं? अब इन बातों को खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन खूफू की मम्मी का वहाँ से गायब होना कई बातें उजागर करता है और कई बातें सोचने पर मजबूर करता है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ के सांसों ने वफा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।